कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है। इसे देवताओं का वृक्ष भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब चलते हैं कल्प वृक्ष के दर्शन करने और उनसे मनचाहा वरदान मांगने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं अल्मोड़ा से अराउंड 7 किलोमीटर की दूरी पर अल्मोड़ा कपरखान रोड पर, और आज हम जा रहे हैं कल्प वृक्ष के दर्शन करने के लिए जो पूरे उत्तराखंड में केवल यहीं स्थित है। दोस्तों, इस रोड पर एनटीटी के लिए जहाँ से रोड मुड़ती है उससे आगे अराउंड 500 मीटर जाने पर बाईं ओर को ये कच्ची रोड पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से अराउंड 2.5 किलोमीटर की दूरी पर छाना गांव में कल्प वृक्ष स्थित है। इस रास्ते में बीच बीच में ग्रामीण शैली की भी झलक दिखती रह रही है। प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच से जाते हुए ऐसा लग रहा है कि सचमुच ये एक अलौकिक अद्भुत देवलोक की ही यात्रा है। अराउंड 1.5 किलोमीटर के बाद अब हमें ये सीमेंटेड रोड मिल गई है। दोस्तों, अब ये सामने हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां से कल्प वृक्ष 200 मीटर की दूरी पर है, और ये रास्ता हमें पैदल ही जाना है। ये यहाँ का चारों ओर का दृश्य कुछ ऐसा है। दोस्तों, आज हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में मनोज चौहान हैं। दोस्तों, यहाँ इस रोड से कल्प वृक्ष को जाते हुए ये पूरा रास्ता ढलान वाला ही है। इस पक्के रास्ते के दोनों ओर हरे भरे खेत और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं, और शांत वातावरण, वाह अद्भुत नज़ारा है। यहाँ कल्प वृक्ष के साथ साथ ही मंदिर भी स्थित है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम पर ही कल्प वृक्ष मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, लगता है अब हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इस पैदल रास्ते में हमें यहां तक पहुंचने में अराउंड 10 से 15 मिनट लगे हैं। यहां चारों ओर का दृश्य कुछ ऐसा है। दोस्तों, नीचे वो दुर्गा माँ का मंदिर स्थित है, और वहाँ परम तेजस्वी श्री मनमोहन गिरी की समाधि स्थल भी है। कल्प वृक्ष का आशीर्वाद लेने के बाद हम मंदिर के दर्शन भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, करते हैं देवलोक के वृक्ष के दर्शन और मांगते हैं उससे अपना मनचाहा वरदान।
दोस्तों, पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया था और इंद्र ने इसकी स्थापना सुरकानन वन अर्थात हिमालय के उत्तर में कर दी थी। दोस्तों, आसपास के गांव के लोगों के अनुसार ये कल्प वृक्ष हजारों साल पुराना है। वृक्ष की ऊंचाई लगभग 70 फुट है। दोस्तों, इस वृक्ष में पतझड़ कभी नहीं आता है। माता सीता से इस वृक्ष को हमेशा हरा भरा रहने का आशीर्वाद मिला है। दोस्तों, यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु वृक्ष में गांठ, चुनरी और धागा बांधते हैं। मनोकामना पूर्ण होने के बाद वो पूजा अर्चना के बाद गांठ को खोलते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष की पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है। यदि किसी को इस वृक्ष की पत्ती गिरी हुई मिल जाती है तो वह बड़ा भाग्यवान माना जाता है। भगवान शिव स्वयं अपने को इस वृक्ष में विद्यमान बताते हैं। यह भी कहा जाता है कि वृक्ष को काटने पर उसमें से खून बहने लगता है और जो वृक्ष को काटने की कोशिश करता है उसे घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। आसपास के गांव वालों के अनुसार पहले तो ये वृक्ष इतना घना हुआ करता था कि इसके आसपास बैठने की भी जगह नहीं हुआ करती थी। इस वृक्ष में संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। गाय के दूध से दुगुना कैल्शियम होता है। इसकी छाल, फल और फूल का उपयोग औषधि तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से भी एक ये रास्ता नीचे मंदिर की ओर को जाता दिखाई दे रहा है। चलिए यहीं से जाके मंदिर के दर्शन करते हैं। सुंदर और शांत प्रकृति के बीच बसी ये जगह मन को एक अलग ही आनंद प्रदान कर रही है। यहाँ प्रवेश करते ही दाईं साइड ये माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। जय माता दी। यहाँ ये एक सुंदर हवन कुंड भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों, विभिन्न अवसरों पर यहाँ अनेक धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। शिवरात्रि को यहाँ विशाल मेला लगता है। होलियों में आसपास के गांवों की होलियाँ यहाँ आती हैं। वो मंदिर में तथा वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अबीर और गुलाल चलाते हैं। इस दिव्य स्थान पर कई संत महात्मा विभिन्न अवसरों पर निवास करते आए हैं। उन्हीं में से एक मनमोहन गिरी महाराज, जिन्होंने यहाँ लगभग 30 वर्षों तक घोर तपस्या की, ये उनकी पवित्र समाधि स्थल है। दोस्तों, श्रद्धालुओं और यात्रियों के रुकने के लिए यहाँ कमरों की भी व्यवस्था है। यहाँ कई भागवत, शिव महापुराण, वो अखंड रामायण पाठ, वो भजन कीर्तन तथा जागरण का आयोजन होते रहता है। दोस्तों, शांत सुंदर प्रकृति के बीच बना ये मंदिर और कल्प वृक्ष के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वे यहाँ दर्शन करने के बाद प्रसन्न चित्त मन से अपने घरों को लौटते हैं। हर हर महादेव।